भारत एक ऐसी पुण्य भूमि है जिसने युगों से मानवता, ज्ञान, संस्कृति और अध्यात्म का ऐसा परचम लहराया है जिसका डंका आज भी बज रहा है। पिछले 1000 सालों में न जाने कितने शासकों ने इसे लूटा, लेकिन फिर भी हिमालय की गोद में बसा भारत आकर्षण का केंद्र रहा। आजादी के 70 साल बाद भारत दुनिया की सबसे बड़ी इकोनॉमी में से एक है। ये एक ऐसा मुल्क है जिसके ज्यादातर निवासी जवान हैं, जिसे दुनिया यंगस्तान कहकर भी संबोधित करती है। मगर हर सिक्के के दो पहलू होते हैं। आज भले ही दुनिया में इंडिया का लोहा माना जाता है, मगर इस चमक दमक और चकाचौंध के पीछे एक ऐसा भी मंजर है जो भारत से प्रेम करने वाले हर दिल को ठेस पहुंचाता है। यहाँ की युवा नस्ल डिप्रेशन, ड्रग्स, शराब, सुइसाइड, रिलेशनशिप प्रॉब्लम्स और ना जाने कैसे गलत हालातों का शिकार हो जाते हैं। जो देश है तेरा, स्वदेश है तेरा, तुझे है पुकारा। इसका कारण आसपास का वातावरण है जो नई पीढ़ी को हौसला नहीं दे पाता अपने अंदर की अच्छाइयों और टैलेंट को एक्सप्रेस करने का। आज की अधिकांश युवा पीढ़ी इंटरनेट, मीडिया, बॉलीवुड से अच्छी वैल्यूज कम और बुरी वैल्यूज ज्यादा सीखते हैं। इसी वजह से अपने जीवन में चुनौतियां आने पर यंगस्टर्स सही रास्ते पर कम और गलत रास्ते पर ज्यादा चलते हैं।
श्री कृष्ण की भूमि है, जिन्होंने हमें गीता का दिव्य उपदेश दिया। ये उपदेश केवल अर्जुन को ही नहीं बल्कि भारत के प्रत्येक युवा को दिया गया है, इसलिए गीता में भगवान अर्जुन को भारत कहते हैं। कृष्ण कहते हैं कि हमें अपने और समाज के प्रति कर्तव्य को समझकर उसे पूर्ण करने के लिए अपने मन को केंद्रित करना चाहिए। कृष्ण कहते हैं कि यदि हम अपने जीवन में अध्यात्म को स्वीकार कर ऊंचे आनंद को प्राप्त करें तो निचले स्तर के गलत कार्य करने की जरूरत महसूस नहीं होगी। कृष्ण कहते हैं, कर्म करो फल की चिंता मत करो। ये मार्ग हजारों वर्ष बाद भी उतना ही मूल्यवान है जितना कि 5000 साल पहले था। शिक्षाओं का पालन करने के साथ साथ दूसरों तक भी इस संदेश को पहुंचाने में और अपने जीवन में प्रैक्टिकली अपनाने में सहयोग करना चाहिए। ये कार्य करना केवल सरकार का ही नहीं बल्कि हम सबकी भी जिम्मेदारी है, तभी हमारी मौका पार लगेगी।
वातावरण देश में बनाने के लिए इस्कॉन ने उद्गार का आयोजन किया है। इस्कॉन ने पूरे विश्व में ऐसा वातावरण बनाने का सफल प्रयास किया है, लेकिन ये कार्य अभी अधूरा है। हम आपको आमंत्रित करते हैं कि हमसे जुड़िए और अपने भारत के लिए खुद भी एक धरोहर बनिए और दूसरों को भी ऐसा बनने में सहयोग कीजिए। जय भारत।